नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों अमिताभ बच्चन ने एक लेटर जारी किया है दिलीप कुमार जी का, लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी का, क्योंकि अमिताभ बच्चन है वो दोस्तों दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते रहे और उनकी एक्टिंग में कई जगह दिलीप साहब की छाप दिखाई देती है। जैसे शराबी फिल्म देखी है आप, जिस प्रकार से वो एक्टिंग करते हैं शराबी में, शराबी की, तो उनके ऊपर दिलीप कुमार साहब की नकल करने का आरोप लगा था। हालांकि मैं उनकी एक्टिंग को ओरिजिनल मानता हूँ। प्रेरित जरूर होता है जिस कलाकार को आप चाहते हैं, जो आपके फेवरेट होता है, उससे थोड़ी थोड़ी झलक आपकी एक्टिंग में दिख ही जाती है। तो ये ब्लैक फिल्म का मामला है। जब ब्लैक फिल्म रिलीज हुई थी उस समय दिलीप साहब ने सायरा बानो के साथ इसके प्रीमियर में हिस्सा लिया था, प्रीमियर शो में, और उसके बाद में उन्होंने अमिताभ बच्चन के तारीफों के पुल बांध दिए थे कि ऐसी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग कोई कर नहीं सकता। और अमिताभ बच्चन के लिए उन्होंने एक लेटर भी लिखा था, उस लेटर को अमिताभ बच्चन ने, अमित जी ने मतलब जारी कर दिया है, और वो मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ तस्वीर लेकर के आया हूँ जो आप देखिएगा। तो किस प्रकार से दिलीप कुमार साहब ने अमिताभ बच्चन की तारीफ की है फिल्म ब्लैक के लिए, और वाकई ब्लैक में अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही अवार्ड विनिंग एक्टिंग थी, और अवार्ड मिला भी उनको, बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिले, और फिल्म ऑस्कर के लिए भी शायद भेजने की बात थी, फिर बाद में नॉमिनेशन मिला नहीं या भेजी नहीं गई, ऐसी कुछ बात हुई थी। लेकिन बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, संजय लीला बंसाली का डायरेक्शन और अमित जी और रानी मुखर्जी का क्या बेहतरीन अंदाज था। अभी यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है इतने वर्षों के बाद में, तो काफ़ी बड़ी ये फिल्म है। और दिलीप साहब की जो तारीफ की अमिताभ बच्चन की दिलीप साहब ने, तो अमिताभ बच्चन ने कहा ये मेरे लिए अविस्मरणीय पल है, इसको मैं भूल नहीं सकता, और मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि दिलीप साहब जैसे कलाकार जिनको मैं हमेशा आदर्श मानता हूँ, जिनको मोतीलाल जी और दिलीप कुमार साहब अमिताभ बच्चन जी के आदर्श रहे हैं, तो उनके द्वारा मेरी तारीफ मिलना, सायरा बानो जी की तरफ से तारीफ मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार से अमिताभ बच्चन ने ये जो लेटर है वो मतलब एक सार्वजनिक कर दिया है। साहब को आपको ये भी बता दूँ कि इस फिल्म में पहले करीना कपूर खान काम करने वाली थी, तो फिर अमित जी ने मना कर दिया था, अमित जी काम नहीं करना चाहते थे उनके साथ, क्यों नहीं करना चाहते थे मैं नहीं जानता, लेकिन फिर उसके बाद में रानी मुखर्जी की एंट्री हुई थी, ऐसी खबरें भी अभी सोशल मीडिया पर चल रही है। अगर आपने ब्लैक नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं इसको, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जरूर देखिएगा। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम जी, बोलना।